क्या आप भी बचपन से ही टेबल को लर्न कर करके थक गए हैं और आज भी आपको अच्छे से टेबल नहीं याद हो रहा है? क्या आज भी आपको लर्न ना होने की वजह से कैलकुलेशन करने में दिक्कत होती है? तो अगर आप लोगों को ये सारी परेशानी होती है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से हम लोग आसानी के साथ में कुछ जनरल से ट्रिक का प्रयोग करने के बाद में एक से लेकर के 99 तक के टेबल को कुछ सामान्य सी चीजों को ध्यान में रखते हुए आसानी के साथ में याद कर सकते हैं। और अगर इन सारी चीजों को आपने याद कर लिया तो आप आसानी के साथ में किसी भी प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन हो तो उसको कर सकते हैं। जिस प्रकार से हमारे कम्पिटेटिव एग्जाम में कंपटीशन बढ़ा है, उस क्रम में आपको अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करना होगा, उसको मजबूत करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरह से हम लोग आसानी के साथ में टेबल को याद करने के बाद में अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यकीन मानिए, इस वीडियो में मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, वही चीज़ें बताऊंगा जो बहुत ही सामान्य सी चीज़ें हैं और उनको अगर आप लोग अपनी रूटीन में लाते हैं, आप उसको आसानी के साथ में रखते हैं अपने पास में, तो आप आसानी के साथ में सभी टेबल को न केवल लर्न कर पाएंगे बल्कि उनसे जुड़े हुए जितने भी कैलकुलेशन होंगे उनको आसानी के साथ में कर पाएंगे। इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के अंत तक आप देखिए, जिससे कि आपके मन में किसी भी प्रकार की कोई अवधारणा ना रह जाए कि किस प्रकार से हमें टेबल को लर्न करना है या किस प्रकार से हमें कैलकुलेशन को अपने इम्प्रूव करना है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी भी एग्जाम में किसी भी प्रकार का कोई भी कैलकुलेशन हो तो उसको आसानी के साथ में कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग बात करेंगे बहुत ही बेसिक से और एक मैं सिंपल उदाहरण के जरिए आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से अगर हम थोड़ा सा ट्रिक का यूज करें, थोड़े से अपने माइंड का यूज करें, तो हम लोग आसानी के साथ में एक से लेकर के 100 तक के टेबल को आसानी के साथ में लर्न कर सकते हैं या उसको आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अब इसी क्रम को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में अपोजिट लिखेंगे। कैसे? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब यहाँ पर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि आखिर में ये मैंने इस तरह से इस क्रम में उन संख्याओं को क्यों लिखा है। तो अब आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिए कि ये आपको जो दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ये 9 का टेबल तैयार हो गया है। यानी कि 9 के टेबल को हम लोग आसानी के साथ में याद कर सकते हैं। जनरली हम लोग जो हमारे 5 तक के टेबल होते हैं उनको आसानी से याद कर लेते हैं, लेकिन जब हम उससे ऊपर के क्रम में बढ़ते हैं तो हमें उसको याद करने में थोड़ी सी कठिनाई होती है। तो 9 के टेबल के लिए यहाँ पर आपको बहुत ही आसान सा ट्रिक है कि आप एक बार क्रम से सभी संख्याओं को लिखिए 0 से 9 तक, उसके बाद में रिवर्स ऑर्डर में यानी कि अपोजिट क्रम में उन्हीं संख्याओं को लिख दीजिए उसके अपोजिट साइड में, और आपका यहाँ पर 9 का टेबल तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल आएगा कि अरे ये तो बहुत आसान था, कोई थोड़ा सा टफ लेकर के बताइए, तब हम लोगों को पता चले कि आपने जो बताया है वो सही है। तो हम लोग यहाँ पर एक संख्या चूज कर रहे हैं जो कि है 18। अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से 18 या जो हमारे बड़े नंबर होते हैं उनके टेबल को आसानी के साथ में याद रख सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, नहीं तो आप लोग बहुत सी चीज़ें मिस कर देंगे। अब 18 की बात करें तो हम लोगों को यहाँ पर क्या करना है कि हम लोग 1 का जो टेबल होता है उसको लिखेंगे, उसके बाद में 8 के टेबल को लिखेंगे। तो चलिए सबसे पहले 1, 1 1 1, 1 2 2, 1 3 3, 1 4 4, 1 5 5, 1 6 6, 1 7 7, 1 8 8, 1 9 9 और 1 9 10। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 के टेबल को लिख दिया है। अब ठीक इसी प्रकार से हम लोग 8 के भी टेबल को लिखेंगे। तो 8 का टेबल कुछ इस प्रकार से होगा, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 42, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48, 8 7 56, 8 8 64, 8 9 72 और 8 10 80। अब यहाँ पर शुरू होती है हमारी ट्रिक। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, 1 के टेबल को आपको जैसे लिखा हुआ है वैसे लिखे रहने देना है। उसके बाद में जो हम लोगों ने 8 का टेबल लिखा है, 8 के टेबल में जो हमारे दहाई अंक है, दहाई अंक आप लोग यहाँ पर देख रहेंगे कौन सा है, 0 1 2 3 4 4 5 6 7 8। अब इनको और उसके बाद में 1 के टेबल में जो हमारी संख्याएं हैं उनको आपस में ऐड करना है।
यानी कि हम लोग उसको ट्यूट कर लेंगे 8 के टेबल में, जो हमारे दहाई के स्थान पर संख्याएं हैं, उसके अलावा जो हमारे 1 के टेबल में इकाई के स्थान पर संख्याएं हैं। ये जो ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, यह आप लोग यूज कर सकते हैं 1 से लेकर के 99 तक के टेबल में। अब यहाँ पर क्या करना है कि हमको 1 के टेबल के इकाई के अंकों और 1 के टेबल में दहाई के अंक को आपस में जोड़ना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद में जो हमारा सम प्राप्त होगा उसको एज इट इज लिख देना है। तो सबसे पहले हम लोग 1 और 0 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा होगा 1। फिर हम लोग ऐड करेंगे 2 और 1 को, तो ये हमारा होगा 3। फिर हम लोग आगे ऐड करेंगे 3 प्लस 2 को, तो ये हमारा हो जाएगा 5। आगे हम लोग फिर ऐड करेंगे 4 प्लस 3 को, तो ये हमारा हो जाएगा 7। फिर हम लोग नीचे ऐड करेंगे 5 प्लस 4 को, तो ये हमारा हो जाएगा 9। आगे हम लोग फिर 6 प्लस 4 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 10। उसके बाद में हम लोग 7 प्लस 5 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 12। उसके बाद में हम लोग 8 प्लस 6 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14। आगे हम लोग 9 प्लस 7 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 16। उसके बाद में लास्ट में हम लोग 10 प्लस 8 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 18। तो यहाँ पर हम लोगों ने 1 के टेबल में जो हमारी संख्याएं हैं, उसके बाद में 1 के टेबल पर जो दहाई के स्थान पर संख्याएं हैं, उन सारी संख्याओं को हमने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि 8 के टेबल में जो रिमेनिंग नंबर्स हैं, जैसे 8, 6, 4, 2, 0, 8, 6, 4, 2, 0, अब इनको हम लोग एज इट इज जैसे ये लिखे हुए हैं उसी क्रम में इनको लिख देते हैं। तो अब यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे कि ये आपका 8 का टेबल, सॉरी 18 का टेबल तैयार हो गया है। 18 1 = 18, 18 2 = 36, 18 3 = 54, 18 4 = 72, 18 5 = 90, 18 6 = 108, 18 7 = 126, 126, 18 8 = 144, 18 9 = 162, 18 10 = 118। तो यहाँ से आपको अब अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि किस प्रकार से हम लोग इसको कर सकते हैं। अब सवाल ये भी उठ सकता है कि आखिर में 18 को ये फॉलो कर रहा है, हो सकता है कि आगे किसी नंबर को फॉलो ना करें, इसीलिए मैं आप लोगों की सुविधा के लिए एक और नंबर को चूज करता हूँ, और उसके बाद में हम लोग देखेंगे कि क्या इस नंबर को भी हम लोग इसी क्रम में, जिस प्रकार से हमने 18 के टेबल को फाइंड आउट किया है, क्या ठीक इसी प्रकार से 29 के भी टेबल को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए ठीक इसी प्रकार के हम लोग फार्मूले को यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग 2 का टेबल लिखेंगे, किस प्रकार से 2 1 = 2, 2 2 = 4, 2 4 = 2, 3 = 6, 2 4 = 8, 2 5 = 10, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 9 = 18, और 2 10 = 20। तो 2 के टेबल को हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे से लिख दिया है। उसके बाद में उसी क्रम में हम लोग क्या करेंगे, 9 के टेबल को ठीक उसी प्रकार से लिखेंगे। देखिए 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27, 9 4 = 36, 9 5 = 45, 9 6 = 54, 9 7 = 63, 9 8 = 72, 9 9 = 81, और 9 9 = 90। तो इसके बाद में हम लोगों को क्या करना है कि हम लोगों को 9 के टेबल में जो इकाई का अंक है, उसके बाद में जो हमने 2 का टेबल लिखा है, उसमें हम लोग उस टेबल के सारे अंकों को आपस में सम करते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इन सारे अंकों को हम लोगों को सम करना है, यानी कि जोड़ना है। तो जोड़ेंगे किस प्रकार से, देखिए 2 और 0 को हम लोग सबसे पहले ऐड करेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर हम लोग 4 प्लस 1 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 5। उसी प्रकार से हम लोग 6 प्लस 2 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 8। उसी क्रम में हम लोग 8 प्लस 3 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 11। उसके बाद में हम लोग 10 प्लस 4 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 14। फिर हम लोग 12 प्लस 5 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 17। फिर हम लोग 14 प्लस 6 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 20। आगे हम लोग 16 प्लस 7 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 23। फिर हम लोग आगे 18 प्लस 8 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 26। और उसके बाद में लास्ट में हम लोग 20 प्लस 9 को ऐड करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 29। फिर हम लोगों को क्या करना है कि जो हम लोगों के 9 के टेबल में रिमेनिंग सारे नंबर्स हैं, उनको एज इट इज लिख देना है। तो हम लोगों ने क्या लिख दिया, 9 हो गया, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। तो जैसे कि हम लोगों ने 9 के टेबल में देखा था, अब यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि आप लोग किसी भी टेबल में जाएँ, चाहे वह 9 का हो या 19 का हो या
फिर हम लोगों का 29 का हो, 39 का हो, 49 का हो, 59 का हो, इन सारे टेबल के लास्ट में जो इकाई का अंक होगा उनमें क्रम से 9876543210 ये सारी संख्याएं आपको देखने को हमेशा से ही मिलेंगी। तो ये आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर आपने देखा कि कितनी आसानी के साथ में 29 का टेबल भी हमने फॉर्म कर लिया है। देखिए यहाँ पर मुझे आपको बताने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, जब आप लोग रेगुलर इसको प्रैक्टिस में कर लेंगे यानी कि 10 से 15 एग्जाम्पल ऐसे आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो उसके बाद में आपको बहुत ही आसानी होगी इन सारे टेबल को लर्न करने में, या इनको जब भी इससे रिलेटेड कोई भी आपको कैलकुलेशन होगा तो उसको आप लोग आसानी से कर सकते हैं। कहा भी गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, तो उसी प्रकार से जब आप लोग नियमित रूप से इसका अभ्यास करेंगे, आप इसको डेली एक्टिविटी में लाएंगे इन टेबल्स को, तो आसानी के साथ में एक से लेकर के आप लोग 99 के टेबल को याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों का 29 का टेबल तैयार हो गया है। 29 हो गया 29, 29 की जा 58, 29 थ्री जा 87, 29 फोर जा 116, 29 फाइव जा 145, 29 सिक्स जा 174, 29 सेवन जा 203, 29 एट जा 232, 29 नाइन जा 261 और 29 टेन जा 290। अगर वीडियो में आपको कौन से स्टेप फॉलो किए गए हैं ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार वीडियो को आप लोग पुनः रिवाइज करके देख सकते हैं, जिसके बाद में आपको ये सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। उसके अलावा अगर आपके दिल में कोई भी बात है तो उसको आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख सकते हैं। अगर आपके मन में ये सवाल उठता है कि किसी भी टेबल में ये क्रम फॉलो नहीं होता है तो उसको भी आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। वीडियो को अपना समय देने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, कमेंट करने के लिए आप सभी को दिल से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।